देश में समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बयान के बाद एक बार फिर यूपी की सियासत गर्मा गई है। मुलायम के बयान के बाद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी ने बुधवार को मुलायम सिंह यादव की इस बात पर उन्हें धन्यवाद करने वाली होर्डिंग लखनऊ में लगवाई, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 700 करोड़ देशवासियों के मन की बात मुलायम सिंह यादव ने संसद में सबके सामने कही, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने सबके सामने मन की बात अपनी जुबान से कही है। लिखा हुआ है कि 125 करोड़ देशवासियों के मन की बात लोकसभा में आपने कही मुलायम सिंह यादव जी, इसका तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और ये हक बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जो विकास आज देख सकते हैं पूरी दुनिया में, जो भारत का ऊँचा हुआ है और किस तरह से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, और विपक्ष में किसी भी एक नेता में दम नहीं है कि जो ये बात स्पष्ट साफ कह पाए कि प्रधानमंत्री का कोई चेहरा है। मैं कहना चाहूँगा कि मजबूत सरकार जनता स्वीकार नहीं करेगी। भारत की जनता आज देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा।